अगर नाम जप नहीं किए तो भय ही भय है, और नाम जप चल रहा तो कोई भय नहीं, ये पक्का समझना। कभी कोई प्रेत आत्मा किसी भी भजन करने वाले का स्पर्श नहीं कर सकती, इतनी बड़ी ताकत नहीं। तो आपके गले में कंठी बंधी है, इसलिए कहते तुलसी जी की कंठी रखो। नाम जप चल रहा है, कभी कोई ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत पिशाच अग्नि बैताल काल मारी मर कोई भी नहीं स्पर्श कर सकता। जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई। एक बार थोड़ा डरे थे, कमंडल उठा करके शौच जा रहे थे। अब शौच जाने का ही समय होता, दो तीन, ये तो शौचालय तो कुछ वर्षों से बने नहीं थे ही नहीं, गांव के बाहर ऐसे जंगलों में ही जाया जाता था। तो एक देखा तो नौबधू खड़ी थी, ऐसे कमंडल लिए हम अपना जा रहे थे, तो नौ और नई अवस्था थी। तो विचार है कि जहां पुरुष वो उधर माताओं के अलग हो क्षेत्र होते थे, उधर पुरुष नहीं जाते थे, जिस क्षेत्र में माताएं नित्य क्रिया करने जाती थी और जिस क्षेत्र में पुरुष जाते थे माता, तो हमने कहा नौ वधु है शायद इसे पता नहीं, यहां बैठना चाहती। तो रफ्तार बढ़ाई, जब रफ्तार बढ़ाई तो आगे देखा वो इतनी जल्दी तो क्रॉस करके जा नहीं सकते। फिर भी मन को हम समझाए नहीं 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 है, बच्ची है दौड़ के चली गई होगी। तो हमको फिर तो झन भन आवाज आती, हम खड़े हो गए, वो खड़े हो गए, उनका शायद यहां सोच होना चाहती होगी। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े तो वो बढ़ने लगे। वह गांव तो बहुत दूर छूट गया और ये बार बार आगे पीछे, वह कौन हो तो ना हमारी तरफ देख रहा ना, बस फिर घूंघट काट के से, अरे हमका मामला गड़बड़ है कमंडल का पानी ढरकाया समीर अपना नाम जप करते हुए, वहां कुछ नहीं था, लौट के देखा कुछ नहीं, थोड़ी देर में लौट दे कुछ नहीं। देखो नाम चल रहा है तो ये अनुभव करो, कोई डर नहीं तुम्हें छुएगा, इसलिए हर समय डरते रहो, नाम जप करते रहो।